हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। तो लास्ट वीडियो में हमने गुजराती में पुनरावर्तन 1, वो हमने पेज नंबर 19 तक ही देखा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 20 से। ओके, तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 निकालो जहाँ से हमारा पुनरावर्तन अधूरा था, और साथ में आपको नोटबुक भी निकालनी है क्योंकि जो आंसर है, कुछ आंसर वो आपको नोटबुक में भी लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो है वो आप इसमें टेक्स्ट बुक में लिख पाओगे, बट जो कुछ वाक्य प्रयोग है वो आपको इसमें स्पेस नहीं है, तो आपको साथ में नोटबुक में लिखना होगा। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तेमना गमता वृक्ष विषय 7-8 वाक्यों लखो। तो आपको जो भी ट्री, मतलब जो भी आपको वृक्ष पसंद है, जैसे कि आपको है मैंगो ट्री या बनियन ट्री, जो भी ट्री पसंद है उसके बारे में आपको 6-7 लाइन्स आपको यहाँ पे लिखने। जैसे कि मुझे लिमड़ो कहते ना, वो ट्री बहुत ही पसंद है क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होता है, हमें बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि वो उसके जो लीव्स है वो बहुत ही घटादार होते हैं, हम लोग उसे दवाई बनाने में भी लेते हैं, उसका जो स्टीम होती है ना जो लकड़ी, वो हम दातन करने में भी लेते हैं, फिर उसके जो पांद होते हैं ना जो लीव्स, वो बहुत ही कड़वे होते हैं बट हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो उनमें से सब काढ़ा बना के पीते हैं, इसलिए मुझे ये ट्री बहुत ही पसंद है। ओके, तो आपको जो भी ट्री पसंद है उसके बारे में आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं, तो वो आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है वो उस ट्री के बारे में आप लिख सकते हो। फिर है क्वेश्चन 5, वाक्य पंक्ति पूर्ण करो, मिठो मिठो बहुज, एंड लास्ट में कहाँ तक लिखना है, हुफनु नाम। तो ये पोयम इस कौन से चैप्टर की है, तो ये पोयम है चैप्टर 2 जिसका नाम है ठंडी। ओके, तो ये जहाँ से पोयम ये दिया है कि मिठो मिठो बहुज, वहाँ से लेके आपको हुफनु नाम वहाँ तक कंप्लीट होता है, तो ये जो बीच वाली जो लाइन मिसिंग है वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये भी आपको खुद से करनी है कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन 6, नीचे ना शब्दों ना समान अर्थी शब्द लखो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, समानार्थी शब्द। तो फर्स्ट है खुशी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी खुशी, तो इसका क्या होगा, आनंद या फिर हरक, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, आनंद या फिर हरक। फिर सेकंड है सवार, तो उसका क्या होगा, प्रभात। थर्ड है जवाब, तो उसका आंसर आएगा उत्तर। फोर्थ है तकलीफ, तकलीफ। ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे मुश्किली। फिफ्थ है आबरू, इसका आएगा शाक। सिक्स है रात, तो इसका आएगा रात्रि या फिर निशा। ओके, उसको क्या कहते हैं, रात्रि। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, रात्रि या फिर निशा। फिर अब है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे ना शब्दों ना विरोधार्थी शब्द लखो। तो यहाँ पे दिया है अंदर, दूर, छिछरू, ऊँगू, छऊ, झऊ एंड नीचू। ओके, तो इसका हम आंसर लिखेंगे अंदर, तो उसका जो अपोजिट जो वर्ड्स होता है, तो अंदर तो बाहर। सेकंड है दूर, तो है नजीक। थर्ड है छिछरू, तो उंडू। फोर्थ है उंगू, तो जागू। फिफ्थ है जवू, तो आएगा उसका आंसर आवू। लास्ट है नीचे, तो ऊंचे।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। फिर है क्वेश्चन 8, नीचे ना रूढ़िप्रयोग ना अर्थ आपी वाक्य प्रयोग करो। तो फर्स्ट हमें दिया है कि रस्तो न देखवो, तो इसका अर्थ तो क्या होता है, कोई उकेल न मड़वो। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन है, अगर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ और उसका जो वाक्य है वो मैं डायरेक्ट लिखूंगी। तो फर्स्ट है रस्तो न देखवो, तो उसका जो अर्थ होगा यहाँ पे लिख रही हूँ कि कोई उकेल न मड़वो, कोई उकेल न मड़वो, ओके। और फिर उसका जो सेंटेंस है, गरीब बाड़कों ने खावानू मड़वानू कोई रस्तो देखा तो न हतो, ओके। तो यहाँ पे मैं वाक्य लखू छु, गरीब बाड़कों ने खावानू मड़वानू कोई रस्तो देखा तो न हतो। ये है वाक्य और ये है अर्थ, ओके। तो हमने इस जो ये वाक्य हमने सेंटेंस पूरा बनाया, उनमें से हमने जो सेंटेंस था, सॉरी जो क्वेश्चन था, रस्तो न देखा वो, तो उसका हमने वर्ड्स यूज करके क्या बनाया, सेंटेंस, ओके। फिर है सेकंड, आँख वाड़ी लेवी, तो उसका अर्थ होगा दुखी हृदये विदाई लेवी, दुखी हृदये विदाई लेवी। अब सेंटेंस, डाघिया ने सेठ पासे मूकी ने लखाय तरत आँख वाड़ी लेवी, वाड़ी लीधी, ओके। तो अब सेंटेंस लिखेंगे, डाघिया ने सेठ पासे मुकी ने लखाए तरत आग वाड़ी लीधी। तो हमें सेकंड में क्या दिया था, आँख वाड़ी लेवी, तो उनमें से हमने सेंटेंस बनाया, ओके। फिर अब थर्ड है, आँख फरी जवी, तो उसका अर्थ है गुस्सा साथे नाराज नाराजगी व्यक्त करवी। तो अर्थ यहाँ पे लिखेंगे, गुस्सा साथे नाराज गीव व्यक्त करवी। अब वाक्य लिखेंगे, मतलब सेंटेंस, तो यहाँ पे इसका सेंटेंस है, डाघिया ने आवतो जोई लाखानी आँख फरी गई, डाघिया ने आवतो जोई लाखानी आँख फरी गई, ओके। अब फोर्थ है, आँख बतावी, तो इसका अर्थ होगा गुस्सो प्रगट करवो, गुस्सो प्रगट
करवो। सेंटेंस बनाएंगे हम, नौकर ने काम में वेठ वाड़ी एटले सेठ तेने आँख बतावी। नौकरे काम में वेठ वाड़ी एटले सेठे तेने आँख बतावी। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नीचे नो फकरो तमारी नोटबुक में सुंदर अक्षरे लखो। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस मतलब पूरा एक पैराग्राफ दिया है, तो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे राइटिंग से आपको ये पूरा पैराग्राफ है 3 लाइन्स का, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे ना शब्द क्रोशना क्रम में लखो। तो फर्स्ट हमें दिया है घारी, गरीब, विदाय, कुत्रु ने डूंगर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें मतलब शब्द क्रश, तो पहले व्यंजन में क्या आता है तो क ख वैसे आता है ना, और साथ में भी बारक सर्ज, जैसे कि पहले क्या आता है आ ई ई, वैसे ही हमें फर्स्ट देख लिखना है कुत्रु। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, तो इनमें से फर्स्ट आएगा कुत्रु। फिर सेकंड है गरीब, घारी, डूंगर, और फिफ्थ है विदाई। ओके, तो ये हमने शब्द क्रॉस के क्रम में लिख लिए। फर्स्ट आएगा कुत्रु, गरीब, घारी, डूंगर एंड विदाई। ओके, तो यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन 1 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 20 पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज हमने देखी पेज नंबर 20 की, वो आपको साथ में टेक्स्ट बुक में भी फिलअप करनी है। टेक्स्ट बुक में आपको क्या फिलअप करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 10, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको अपने नोटबुक में कम्प्लीटली पूरा, जैसे कि 4 क्वेश्चन नंबर हमें 4 से लेके 10 तक वो पूरा आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे कि पेज नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो तो आपने ऑलरेडी नोटबुक में भी लिखा है और टेक्स्ट बुक में भी, वैसे ही 4 से लेके अब 10 है वो आपको नोटबुक में भी कंप्लीट करना है और साथ में टेक्स्ट बुक में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, तब तक आपको ये सभी आंसर लिख के और लर्न करना है।